नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप YouTube पे जो ऑटो प्ले है उसको हम किस तरह से बंद करेंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि ऑटो प्ले अगर चलता रहता है तो उससे हमें बहुत ही नुकसान होता है। हमारा जो MB है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है वहाँ पर, ऑटोमेटिक वहाँ प्ले हो जाता है, तो उससे हमारा MB भी कटता है, ज़्यादातर कटता है। और इसे बंद कर देते हैं तो हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा, जो हम देखना चाहेंगे वही प्ले होगा, तो उतना ही जितना हमें खर्च होना चाहिए उतना ही खर्च होगा। पर यहाँ पे अपने आप YouTube में घुसे रहते हो, स्क्रॉल करते जाते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा वीडियो वहाँ पे प्ले होने लगता है। तो उसको आज हम इस वीडियो में बंद करेंगे, किस तरह बंद करेंगे चलिए आप सभी के साथ हम लोग करते हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इसे शुरू से अंत तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम अपना YouTube एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो प्रोफाइल है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ही प्ले हो रहा है, इससे तो हमारा MB तो कटता ही है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने टच नहीं किया, फिर भी यहाँ पे ऑटो मतलब कि ऑटोमेटिक यहाँ पे चल रहा है, तो इससे MB तो खाएगा ही। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक कर लेंगे। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है सेटिंग के ऑप्शन में। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाए। फ्रेंड्स बहुत कोई क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑटो प्ले में चला जाते हैं, ऑटो प्ले यहाँ पे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे अगर ऑन किया हुआ रहेगा तो इसको ऑफ कर लेना है। और बहुत कोई क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑन करके रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ऑफ ही रहने देना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इससे आपका क्या होगा कि आपका वीडियो जो भी चलेगा इसके बाद जो भी सजेस्ट में आएगा वो ऑटोमेटिक ही प्ले हो जाएगा, तो उसको ऑफ कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल में देख सकते हैं, जनरल इस पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्लेबैक एंड फीड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं एनीवेज ऑन और यहाँ वाईफाई ओनली, तो यहाँ पर आपको ऑफ में कर देना है। आपका इसमें क्या होगा कि आपका जब मोबाइल का टावर रहेगा तब आपका चलेगा, और यहाँ पे नीचे में आपका वाईफाई से जब कनेक्ट होगा तब ऑटोमेटिक चलेगा, तो आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है, किसी से हमें नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक आकर देखते हैं कि हमारा ऑटो प्ले बंद हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एक भी वीडियो अभी तक यहाँ पर प्ले नहीं हुआ है, देख सकते हैं एक भी नहीं चल रहा है, नहीं तो तभी तो ऑटोमेटिक प्ले हो जा रहा था। तो इस तरह करके आपका MB मतलब कि जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कटता था वो अब नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।